एशिया कप 2023 से पहले भारतीय टीम को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, भारतीय टीम में हो चुकी है एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी जिसका था सभी को बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों, आखिर में वह खिलाड़ी कौन सा है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आप भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिल से पसंद करते हो? तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस खिलाड़ी की। तो वह खिलाड़ी है बाएं हाथ के तेज और खूंखार प्लेयर्स जो बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। वह खिलाड़ी दोस्तों कोई और नहीं, खुद ऋषभ पंत है। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय टीम को एशिया कप में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत एशिया कप 2023 में खेलते हुए नजर आए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से रुड़की जाते हुए ऋषभ पंत का अपनी कार BMW से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद ऋषभ पंत की जान बाल बाल बच चुकी थी दोस्तों, पर अब ऋषभ पंत पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। ऋषभ पंत ने एशिया कप की भी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आप देख सकते हो ऋषभ पंत प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत भारतीय टीम की तरफ से बहुत शानदार विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं और ऋषभ पंत को MS धोनी का दूसरा स्वरूप भी माना जाता है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इस बार एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त को हो रही है। ठीक वही बात करें फाइनल मुकाबले की तो 17 सितंबर को खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों कि भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी KL राहुल अभी भी पूरे तरीके से फिट नहीं है। ठीक वही बात करते हैं दोस्तों, संजू सैमसन को एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है। ठीक वही बात करें, अब ऋषभ पंत को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अगर संजू सैमसन को कुछ होता है तो आपको उनकी जगह ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों, ऋषभ पंत पहले दोनों मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ऋषभ पंत भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब जिता पाएंगे। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण।